दोस्तों आज है 13 जनवरी और वेडनेसडे, आज लोहड़ी का दिन है। इधर ये सुबह आया हुआ था काठवाला से, हरियाणा से, यमुनानगर से, और इधर आया हुआ है भाई। अपना इंट्रोडक्शन दे दे, बता दे क्या नाम है। मैं विकास। विकास, इसका सिलेक्शन हुआ आर्मी में रिसेंटली, ट्रेनिंग वगैरह पूरी हो चुकी है। और इसने सबसे पहला अपने आप को जो गिफ्ट दिया है वो दिया है ये आईफोन, दिखा दे भाई। तो नॉर्मली क्या होता है, जब रिक्रूट होते हैं आर्मी में तो सबसे पहले लड़के नॉर्मली या तो वो खरीदते हैं बुलेट का, खरीदते हैं मैकबुक प्रो, या खरीदते हैं एप्पल का फोन। तो इसने भी अपना सपना साकार किया है, बुलेट तो थी इसके पास। एक गया हुआ है नहाने, तो एक दोस्त हो रहा है मनदीप, वो भी यमुनानगर से आया हुआ है, वो नहाने गया हुआ है, अभी आएगा। तो आज कुछ प्लानिंग कर रहे हैं कहीं जाने की, तो बने रही है इस व्लॉग में, देखते हैं कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं। ये देखिए शुभम तावड़े जी, ये आ गए हैं नहाकर, बहुत समय लगाया। तो अभी जा रहे हैं लैंड और मसूरी, सुबह के बज रहे हैं 11, और वो खड़ी कार की या सोनेट शुभम की कार है। चलो भाई अमन, चलो चलो चलो। तो पहले जाएंगे अपार्टमेंट पे, वहाँ पे चेकआउट करवाएंगे, जो क्लाइंट हैं कस्टमर आए हुए हैं, फिर आगे मसूरी लैंड और देखते हैं कहाँ जाते हैं। मैं मसूरी रोड पे और जा रहे हैं मसूरी की तरफ। अमन को देख लो ध्यान से, हाथ नहीं लगेगा फिर, इसको आदत नहीं है कैमरे की। मसूरी जाने के दो रास्ते हैं, तो हम जा रहे हैं झड़ी पानी से होते हुए, ये बारलोगंज ऊपर बोर्ड लगा हुआ है, यहाँ पे पड़ेगा सेंट जॉर्जिस कॉलेज और कमल कॉटेज। बस बारलोगंज पहुँचने वाले हैं, ये छोटा सा पार्ट बारलोगंज का है, उस तरफ मसूरी है। जूम करके दिखा देता हूँ, यहाँ पे क्रॉस का सिग्नल, ये जो सिग्नल देख रहे हो ये सेंट जॉर्जिस स्कूल की प्रॉपर्टी है, बहुत पुराना सिग्नल अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया सेंट जॉर्जिस। और ये है पूरा कमल कॉटेज, ग्रीन कॉटेज बने हुए हैं यहाँ पे, पूरा कमल कॉटेज, इसमें गेस्ट हाउस भी चलाते हैं लोगों की, प्राइवेट प्रॉपर्टी भी है। और उस तरफ दिख रहा है आपको मसूरी, बारलोगंज पहुंच गया हूं, और बिल्कुल सामने हूं सेंट जॉर्जिस स्कूल के, सेंट जॉर्जिस स्कूल अंग्रेजों ने बनाया था। और बारलोगंज की खास बात यह है कि यहां पे सबसे ज़्यादा फोग आता है मॉनसून में, बहुत छोटा सा क्यूट लिटिल टाउन है। यहां पे अभी काफ़ी होटल खुल चुके हैं, अभी सामने जाना है मसूरी लैंडोर की तरफ चलते हैं। लैंडोर उस उन पहाड़ों पर है, तो यहीं से डायरेक्ट नेविगेशन लगाते हैं। ये वाइनबर्ग एलन स्कूल है राइट में, और हम बैक वाले रास्ते से जा रहे हैं लैंडोर, ये शॉर्टकट रास्ता है। अभी हमें बहुत तगड़ी चढ़ाई पार करी, ये धनोल्टी वाला रास्ता है, और यहाँ से हम लेफ्ट को सीधा पहुँचेंगे लैंडोर। तो अभी हम इसका इस्तेमाल करेंगे लैंडोर जाने के लिए, क्योंकि हमें धनोल्टी जाना नहीं है। और ये जो बैक रास्ता है ये जा रहा है बारलोगंज, और सामने ये जा रहा है मसूरी, मसूरी ये भी जाता है घूम के। चलो चलते हैं इस वाले रास्ते से। तो पहुंच गए मसूरी के माल रोड, ये सामने माल रोड है, लेकिन हम जाएंगे राइट लैंडोर की तरफ। अभी कार थोड़ा फंसी, एक कार उधर से आ रही है, दो इधर से जा रही है, कलर खड़ी निकल जाएगी। तो भाई ये लैंडोर, वो सामने पूरा बैकग्राउंड है लैंडोर का। पहुंच गए क्लॉक टावर, ये कुल्ली मार्केट है, पप्पू वालों की दुकान भी इधर ही है। पहुंच गए मुलिंगर, सीधा वुड स्टॉक्स होते हुए टिहरी, धनोल्टी लेफ्ट में लैंडोर, हमें जाना है लेफ्ट में। तो लैंडोर पहुंचने वाले हैं बस। ये देखो कितना खूबसूरत, एक यूरोपियन शहर की तरह लैंडोर, ये वुड स्टॉक का गार्ड का कमरा, ऊपर रेड बर्न ओक जो कि एयरबीएनबी से बुक होता है, और जिसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा अगर पॉसिबल हुआ मुझे मिला। ये देखो कितना प्यारा रास्ता है, और क्या लोग इससे सुंदर, मुझे तो नहीं लगता कि भारत में कुछ होगा। अब विकास को पता नहीं कैसा लग रहा है, लेकिन बस हम चलते जा रहे हैं। तो पहुंच गए हैं चार दुकान लैंडोर, ये लेफ्ट से आ रहा रास्ता, ये पोल सेंट पॉल चर्च है, ये सेंट पॉल चर्च है, यहाँ पे सचिन तेंदुलकर वगैरह घूमते रहते थे, SBI बैंक है यहाँ पे। आज लॉकडाउन की वजह से ये बंद है, हमें तो पता भी नहीं चला कि आज लॉकडाउन, आज कौन सा दिन है यार, सिर्फ ये थोड़ी सी खुली हुई है दुकानें, ये बंद, तो इसलिए हम ना रुक के सीधा चलते हैं। यहाँ से देखो लेफ्ट में कितना अच्छा व्यू आता है, पूरा वैली का व्यू आता है, कपड़े टांगे में दिख नहीं रहा, पूरा कैंट एरिया है ये। तो लैंडोर में ये जो ऊपर रास्ता जा रहा है ना जिगजैग करते हुए, यहाँ पे वॉल्व बर्न एस्टेट है, वहाँ पे ऊपर की तरफ, यहाँ भी मैं एक हफ्ता रहा था, बहुत मज़ा आ गया था, उसके फ़ोटो अभी आप देखेंगे। ये देखिए ये फ़ोटो इसी के हैं, फ़ोटो एंजॉय कीजिए। लैंडोर के मजे लीजिए आप, ग्रेव भी आएगी, अभी लाल टिब्बा आने वाला है, ये पूरा चक्कर बोलते हैं इसको, पूरा इसी तरह से चलता रहेगा, ये बहुत ही नीट एंड क्लीन रोड है,
वॉकिंग करने के लिए बहुत अच्छी जगह है। सर्दियों में सबसे ज़्यादा पहले बर्फबारी होती है तो यहीं पे गिरती है मसूरी से भी ज़्यादा। अभी लाल टिब्बा आ जाएगा, ये लाल टिब्बा आ गया है। यहाँ से हम आए अभी घूम के और पूरा यहाँ से ग्लेशियर के व्यू होते हैं। ग्लेशियर दिखा देता हूँ किस तरह से दिख रहा है। यहाँ से ये पूरा देखो ग्लेशियर का व्यू आ रहा है, पूरा बंदर पूंछ और यमुनोत्री साइड। हमने कार पार्क कर दी है यहाँ पे और अभी हम क्या करेंगे कि वहाँ पे दूरबीन लगी हुई है, हम उसे देखने की कोशिश करेंगे आसपास के गांव को और ग्लेशियर को। काफ़ी सुंदर मौसम है आज, बिल्कुल नीट एंड क्लीन। लॉक कर दी मैंने। भैया क्या प्राइस है इसका? अच्छा 25 में से कितनी बार? 10 बार भी घंटी बजा दी तो पूरा गेम फ्री हो जाएगा, और 25 में से 15 बार मार दी तो भाई 50 रुपये लगेंगे 150 की जगह। घंटी दिखा देता हूँ, देखो ये घंटी दिख रही होगी आपको, ये टंग रही है। इसमें ना थोड़े से निशाने ना वो होते हैं, थोड़े से डिस्टर्ब होते हैं, साइड में जाते हैं। अच्छा पहले निशाना लगा के देख लेंगे, एक दो प्रैक्टिस कर लेंगे। हाँ ट्रायल दे देंगे, उसमें पता चल जाएगा कि कहाँ लग रहा है, साइड में लेफ्ट में लग रहा है राइट में लग रहा है। लैंडोर में आ चुके हैं और अभी बस थोड़ा दूरबीन के पास जाएंगे, वहाँ से देखेंगे थोड़ा सा घूमेंगे। अपना माउस किधर है? कैफे लाल टिब्बा, यहाँ पे गवर्नमेंट अप्रूव। यहाँ से देखते हैं क्या चार्जेस हैं दूरबीन के। अच्छा अच्छा पग और पोमेरियन का मिक्सर है, ये पहली बार देखा मैंने, तुझे भी समझ में नहीं आया। तो यहाँ पर तीन रेंज है, एक तो देहरादून का जो पहाड़ है वो शिवालिक हिल है, जो मसूरी भी शिवालिक में आता है, फुटिलो हिमालयाज में तो देहरादून आता है, ये आता है शिवालिक में मसूरी, और यहाँ से ये हिमालयाज शुरू हो जाते हैं, फिर ऊपर ग्लेशियर हैं पूरे, फिर इसके उधर चाइना। तो अभी हमारी फोटोग्राफी चल रही है। अभी हम लंगूर ना, ये जो आपको वॉल दिख रही है इस पे से मिनरल्स खा रहे हैं। आपने इस तरह की हरकतें बकरियों को करते हुए देखा होगा, जो कि इनकी बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। हाँ ठीक है, तो इस बार चला रहा है। नहीं लगी? अरे एक भी नहीं लग रही, मार दी। पिस्टल भी ट्राई कर रहे हैं, सही लग रहा, सही लग गया। ये उत्तम सुगर के जो मालिक है उनका है ये, और ये जयप्रदा जी का है सामने वाला। के 200 करोड़ तो धोनी और सचिन ही देने को तैयार थे, कई अरब की प्रॉपर्टी है लेकिन ये बेचती नहीं है कभी। नहाता स्टेट इसमें लिखा हुआ है, जयप्रदा जी का काफी एकड़ की जमीन है, क्योंकि यहाँ से व्यू ही इतना मेसमराइजिंग है, पिक्चरेस्क्यू व्यू है पूरा। लैंडोर का एरिया देखिए भाई साहब, मजा ही आ जाएगा। तो मैं घुमा रहा हूँ, ऐसी जगह घूमने को नहीं मिलता लोगों को, यहाँ तरस जाते हैं लोग ऐसी जगह घूमने को। घूमो घूमो घूमो, मजे लो। अभी हम पहुँच गए पीटर पैनर जी के घर पे, ये इसका नाम है द पर्सोनेज, और इतना बढ़िया मकान है यहाँ पे कि इसको सब आते हैं तो हमेशा इसके सामने फ़ोटो ज़रूर खिंचवाते हैं। दिखा देता हूँ, ये पीटर पैनर जी का घर द पर्सोनेज। थोड़ा घूम के आए, अब आ गए हम चर्च पे। कौन सा चर्च है अभी दिखाता हूँ। क्या लोग मेमोरी चर्च पे पहुँच गए हैं, अब यहाँ से आगे जाते हैं। तो आगे हम ओकलैंड गेटर्स पे, यहाँ से लाविला बैथनी उधर है, यहाँ से लेंगे लेफ्ट से और उधर राइट से आएंगे। लैंडोर के मजे लीजिए भाई, तुम भी हमारे साथ लैंडोर घूमिए कभी, अपनी फैमिली को लेके आइए यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे उसी का मन लगेगा जो मतलब नेचर प्रेमी हो, जिसको ये चीज़ें फील होती हैं, जिसको अच्छा लगता है ये सब, वरना लोग यहाँ पे बोर हो जाते हैं, कहते हैं कि यहाँ कुछ नहीं है। पहुँच गए घूम फिर के सिस्टर बाजार, यहाँ पे लैंडोर बेक हाउस है। हाँ भैया ठीक हो? ये पहुँच गए लैंडोर बेक हाउस के सामने, ताला लगा हुआ है और यहाँ पे कुछ क्राउड आया हुआ है जो वेट कर रहा है लैंडोर बेक हाउस का खुलने का, लेकिन ये बंद है मेरे ख्याल से। अच्छा टेक अवे दे रहे हैं आज, बैठने नहीं दे रहे लॉकडाउन की वजह से। और अभी हम जा रहे हैं सचिन तेंदुलकर का घर देखने। ये लोग बोले हैं कि सचिन तेंदुलकर का घर देखना है भाई, तो मैंने कहा चलो दिखा देते हैं सचिन तेंदुलकर का घर। ये देखो यहाँ की सबसे बेस्ट कॉफी है इसकी, लैंडोर बेक हाउस की। ये आ गया है प्रकाश जी की दुकान जो कि बंद है अभी, खाना खाने गए हैं। और ये देवानंद का घर है राइट में, और यहाँ से भी पूरा ग्लेशियर का व्यू दिखाई देता है बहुत बेहतरीन। देवानंद भूल गया। और एक कॉटेज दिखाऊंगा जिसकी एक रात का किराया 60,000 रुपये है, और यह है रुपये मैनर का, सचिन के दोस्त की ही प्रॉपर्टी है ये। और यहाँ से पूरा इस तरह से व्यू आता है, पूरी फैमिली के साथ आ सकते हैं आप, पूरा कॉटेज ले सकते हैं, वो पूरा व्यू इस तरह से ले सकते हैं।
ये देखिए मजे लो एरिया के फुल मजे जितने ले सकते हो। ये रोड काफी डीप में जा रही है लैंडोर में और हम चले जाएंगे वुडस्टॉक का गेट आ जाएगा वहाँ पे वुडस्टॉक के कोने में। ये किल्मरनोक बहुत पुराने पुराने घर हैं 100-100, 300-300 करोड़ के घर हैं। हालांकि ये बिकते ही नहीं है घर, ये समझो कि इस ऐसी जगह पे कौन घर बेच रहा है। और ये रोज़ बैंक आ गया यहाँ पे, ये लेडीज बैठी हुई है वॉकिंग कर रही हैं लोग। और यहाँ पर अभी सचिन का घर आएगा थोड़ी देर में, अभी सचिन जो कि मतलब डेमोलिश कर दिया है कैंट ने। और ये जो पीछे घर गया था इसमें भी मैंने बात करी थी रुकने की, ये ऊपर मकान दिख रहे हैं इसमें भी उन्होंने कहा था कि एक महीने तक देते हैं, एक महीने से कम काम तुम्हें अवेलेबल नहीं कराएंगे। ये आ गया वुडस्टॉक की प्रॉपर्टी ऊपर और यही थोड़ा आगे जा रहा है सचिन के घर की तरफ। ये सामने सचिन का घर है, ये जो ऊपर जा रही है ना रोड, कम से कम मेरे ख्याल से मैं अंदाजन बता रहा हूँ कि कम से कम 10-20 करोड़ तो इसने लगाए होंगे इस घर में। और लेकिन पूरा बंद कर दिया सचिन का घर, आगे से गाड़ी मुड़ जाएगी। चलो मैं गाड़ी दिखा देते हैं, चलो न पैदल, अरे पैदल क्या जाना, अरे यहीं रोक दे, यहीं रोक दे, मुड़ जाएगी मुड़ जाएगी। चलो इसकी लगा ताले आ रहे, ताला लगा हुआ है, सील लगी हुई है, ताला का सील लगी हुई है, कैंटर पूरा सुप्रीम कोर्ट से दिखाएंगे इसको, पूरी प्रॉपर्टी को 500 करोड़ की प्रॉपर्टी है। चलो इसमें से दिखा देते हैं प्रॉपर्टी। ये ताला धुआ हुआ भाई, कितना तगड़ा ताला है। तो सचिन तेंदुलकर का घर साइड से देख लो, बराबर वाली गली में आ गए, तो ये भी पूरा टूटा हुआ है। बहुत हाई फाई था, इसमें कैमरे लग रहे थे फेस वाले, पहले फेस दिखता था इसमें, बहुत ही हाई टेक्नोलॉजी का घर था। सब तोड़ दिया, सब तबाह। और सामने वुडस्टॉक का गार्ड देखो, एक तुरंत एक्टिव हो गया, खड़ा हो गया, कोई आ रहा है, कोई आ रहा है, यहाँ कैसे आ रहा है। अभी ये पीछे वापस भेजने के लिए तैयार, क्योंकि यहाँ पे रहते हैं टॉम अल्टर के लड़के, उन्होंने यूट्यूब चैनल भी खोल रखा है। पहले तो मैं ऐसे ही चला जाता था यहाँ पे जब गार्ड नहीं थे, अब गार्ड बैठने लगे यहाँ पे एल्कोज। ये यहाँ से हमें यू टर्न लेना पड़ेगा, मैं इनसे कुछ पूछ लेता हूँ, कुछ जानकारी ले लेता हूँ। यहाँ से वापस जाना पड़ेगा वुडस्टॉक की प्रॉपर्टी। ये किसकी है, प्राइवेट प्रॉपर्टी है ये वाली, रेंट पे मिलता है कमरा यहाँ पे रेंट। तो हमने कार यहाँ पार्क कर दी है सिस्टम मार्केट में, अभी हम सोच रहे हैं कुछ केक खरीद लें, क्योंकि प्रकाश जी की दुकान है जो कि फेमस है केक के लिए। यहाँ पे फेमस केक मिलता है तो वो केक लेने आए हैं, अगर मिल गया तो। ये रहा, ये है खुशबू आ रही है, इसी की आ रही है, ये फेमस केक है भैया प्रकाश जी के यहाँ पे सिस्टम बाजार में। ये कौन से वाला है, ये कुछ अलग तरह का है, देखते हैं। इनके यहाँ पे पीनट बटर है, जो फोनर्स वो छोड़ के गए थे एक पीनट बनाने की मशीन, जब से इनके पास ये फेमस पीनट बटर। ये ऐसा पीनट बटर पूरे इंडिया में नहीं मिलता, अगर ले जाना है तो ये ले जा सकते हो घर पे। इसमें 2-3 क्वालिटी है पीनट बटर, एक ये वाली क्रंची वाला है, एक क्रीमी वाला है। अब तो खैर ये जैम भी लगने लगे स्ट्रॉबेरी के और इस तरह के। यहाँ पे लैंडोर एंड मसूरी एंड लैंडोर डेज एंड वाइन एंड रोजेस द मसूरी, ये इस तरह की बुक पुराने जमाने की। वापिस की लॉग मेमोरियल चर्च से होते हुए ये जो व्यू आता है ना, देखिए व्यू, ये पूरा स्पेन में ऐसा बना हुआ है पूरा। ये आ गया इनका रुकबे मैनोर, कर रहे थे नाश्ता, ये रुकबे मैनोर पर किसका है, सचिन के दोस्त का है, संजय का। वापिस घूम के सेंट पॉल्स चर्च पे आ गए हैं और यहाँ से यू टर्न लेके नीचे की तरफ मसूरी साइड।
क्राउड ही अलग है पूरे लैंडोर का, तो क्राउड ही बिल्कुल अलग है। वापिस पहुंच गए हैं डोमास इन पे मुलिंगर पे के पास और रस्किन बॉन्ड का घर आ गया। ये रस्किन बॉन्ड का घर है, ये लाल सीढ़ियां रस्किन बॉन्ड के घर पे जा रही है। अभी हमने कार खड़ी कर दी है कुंडली पे, कुंडली वाली रोड पे, क्लॉक टावर वाली पे। अभी हम जा रहे हैं लवली ऑमलेट वाले के यहाँ। तो भाई लवली ऑमलेट था बंद, हम जा रहे हैं वापस देहरादून सीधा केएफसी पैसिफिक मॉल में रुकेंगे। हम आ गए हैं देहरादून और देहरादून में यहाँ DITMS के पास मजूरी रोड पे ही एक केएफसी है, तो इस पे केएफसी में कुछ ट्राई करते हैं। जावा, ये एक्चुअली नॉर्थ देहरादून है, यहाँ पे बहुत अपार्टमेंट बनने चालू हो गए हैं। मसूरी रोड पे काफ़ी अपार्टमेंट बन रहे हैं। तो भाई इन दो नॉन वेज वाले हैं, इन्होंने नॉन वेज ले लिया है और अपना आ गया वेज बर्गर। आगे हैं घर वापस, बाकी अब निकल रहे हैं गांव की तरफ। ये मसूरी वाला सफर यहीं पे खत्म होता है। आशा करता हूँ आपको बहुत अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।